बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पास ये LG का 21 इंच का टीवी मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर 90D का रिमोट वर्किंग कर रहा है। ये सिंगल स्पीकर वाला मॉडल है, इसी में डबल स्पीकर वाला मॉडल भी होता है LG में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल स्पीकर वाले मॉडल में हमारे पास ये 90D का रिमोट काम कर रहा है। इसके सर्विस मेन्यू को ओपन करने के लिए, फैक्ट्री रीसेट प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमने इसी रिमोट से ओके के बटन को प्रेस करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में ओके का बटन है। जैसे ही हम ओके के बटन को प्रेस करते हैं तो ऊपर डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि AV लिखा हुआ शो हो रहा है ओके के बटन को प्रेस करने पर। इसी तरह अगर हम यही ओके का बटन इसके बटनों से दबाएंगे तो हमें स्क्रीन पर AV लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है। हमने इसके सर्विस मेन्यू को खोलने के लिए ओके के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर पहला बटन इसका मेन्यू का और दूसरा बटन ओके का बटन है। हमने सर्विस मेन्यू को खोलने के लिए रिमोट से ओके के बटन को और इसके बटनों में से ओके के बटन को, दोनों बटन्स को हमने एक साथ प्रेस करना है 5 सेकंड्स तक। हम यहाँ पर आपको इसके सर्विस मेन्यू प्रोग्राम को, रीसेट प्रोग्राम को ओपन करके दिखाते हैं। हम रिमोट से ओके का बटन और टीवी के बटनों में से हमने ओके का बटन, दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करना है। तकरीबन 5 सेकंड्स तक हमने इन्हें प्रेस करके रखना है। तो हम स्क्रीन पर इसका सर्विस मैन्युफैक्चरिंग रीसेट प्रोग्राम जो होता है, यहाँ पर हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके कलर्स के ऑप्शन रेड, ग्रीन, ब्लू, सर्विस मेन्यू ओपन हो चुका है। हमने चैनल के बटन से इसे अप डाउन करना है और वॉल्यूम की से हमने इनकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करना है। इस तरह अगर हमने इसके नेक्स्ट ऑप्शन ओपन करने हैं तो हमने रिमोट से ही येलो बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये येलो बटन, हमने इस बटन को प्रेस करना है। और यहाँ पर इसके साइजेस आ गए हैं VL VH, इसी तरह सब, ब्राइट, नेक्स्ट ऑप्शन। इसमें इसी तरह येलो बटन को प्रेस करके हम इसके तमाम ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसके साइज़ को अप डाउन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VL साइज़ हमें स्क्रीन पर कम या ज़्यादा स्क्रीन पर मिल रहा है। इस तरह यहाँ पर हम अपने LG TV की सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, VL को, VH को। दोस्तों ये सिंगल स्पीकर वाला मॉडल है। इस तरह अगर आपके पास डबल स्पीकर वाला मॉडल हो तो उसके सर्विस मेन्यू को आपने ओके प्लस ओके के बटन से ओपन करना है। हमने LG TV के 14 इंच के मॉडल पर पहले से सर्विस मेन्यू ओपन करने का वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि हम 14 इंच के LG के TV के सर्विस मेन्यू को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। हमारे इस टीवी में ओके प्लस ओके के बटन से सर्विस मेन्यू ओपन हो रहा है, लेकिन दूसरे मॉडल में, डबल स्पीकर वाले मॉडल में, हम मेन्यू प्लस मेन्यू के बटन से इसके सर्विस मेन्यू को ओपन करेंगे। फैक्ट्री रीसेट प्रोग्राम को मेन्यू प्लस मेन्यू के बटन से ओपन करेंगे। हम इंशाल्लाह उस मॉडल पे भी आपको सर्विस मेन्यू ओपन करके उसकी वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हमने दूसरे मॉडल में मेन्यू प्लस मेन्यू यानी कि रिमोट से मेन्यू का बटन और टीवी के बटनों से मेन्यू के बटन को, हमने दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर LCDs, LEDs, कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।